हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बडी कलम में। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ से डर लगता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आधे से करीब स्टूडेंट को पसंद होते हैं और आधे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि मैथ को पसंद करने वाले स्टूडेंट को भी कोई भी कमी नहीं आती जब वो मैथ को सॉल्व करते हैं, मैथ के क्वेश्चनों को वो सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हल करने के लिए, जिसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे नियम और फॉर्मूले को समझना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका जो मैथ का डर है वो आप अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट यूट्यूब पे और गूगल पे यही सर्च करते हैं कि हम अपने मैथ के डर को कैसे निकालें। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने मैथ के डर को कैसे दूर कर सकते हो। इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा वैल्यू भरा पड़ा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूछने से ना करे संकोच। मैथ से डरने का ये भी कारण होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के सवालों को अपने टीचर्स से पूछने में उनको शर्म आती है और वो अपने सवाल अपने टीचर्स के सामने नहीं रख पाते। जो उन्हें आता नहीं है वो कुछ भी अपने टीचर्स से पूछ नहीं पाते। कभी भी आपको अपने टीचर्स के साथ, जब भी आपको मैथ पढ़ाई जाए, आपको अपने टीचर्स से जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैथ में, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो आप अपने टीचर्स के साथ क्लियर कर सकते हो। अगर आपको अपने टीचर्स से सवाल पूछने में डर लगता है, शर्म आती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी पूछ सकते हो या फिर आपके क्लास में जो मॉनिटर है उनसे भी आप अपने मैथ के सवालों को सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हो कि मेरे को इन सब्जेक्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इस तरीके से आप बोल सकते हो। जितना आप पूछोगे उतना ही आपका दिमाग दौड़ेगा, उतना ही आप मैथ को अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। लोगों से पूछो और आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो या फिर आप अपने फैमिली मेंबर से भी पूछ सकते हो, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नंबर टू, फॉर्मूला याद करें। मैथ से डरने की ये भी वजह होती है कि जब आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं होता उस टाइम आप मैथ के कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। आपके क्लास के रिकॉर्डिंग आपके मैथ के सब्जेक्ट होते हैं उनके आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उन्हें रीड करने पड़ेंगे, उन्हें समझने पड़ेंगे, जिसकी मदद से आप अच्छी तरीके से मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें आप बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले को बार बार भूल जाते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दीवार पे आप चिपका सकते हो या फिर आप अपने टेबल पे रख सकते हो कि वो फॉर्मूले मेरे को बार बार दिखते रहे और वो बार बार फॉर्मूले आपके दिमाग में जाते रहे, जिससे कि आपके जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप कभी भूल नहीं पाओ। मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें आपको लिखना है, उन्हें याद करना है और अपने आप सेल्फ स्टडी करनी है, जिससे कि आपका जो मैथ का डर है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। नंबर थ्री, प्रैक्टिस। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस सब्जेक्ट में ज्यादा निखरोगे। इससे आपके अंदर का डर भी निकल जाएगा मैथ से रिलेटेड। अगर आपके अंदर मैथ को लेकर कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपका सब कुछ निकल जाएगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप कोई भी क्वेश्चन आया उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप सब्जेक्ट को कैसे पढ़ोगे। इसीलिए अगर आपको मैथ में परफेक्ट होना है, अपने अंदर से मैथ का डर निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। मैथ के क्वेश्चनों को आपको हल करते रहना है जब तक आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं हो जाती। जब भी आपकी मैथ की बुक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए और आप बड़ी आसानी से मैथ को समझ पाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में तीन ऐसे तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपने मैथ के डर को अपने अंदर से निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जाके उसको ज्वाइन कर लो दोस्तों। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।